इंस्टाग्राम पर डीएम कैसे करें। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को पता नहीं है कि डीएम होता क्या है और बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि डीएम हम कैसे करें। सो आज की वीडियो में हम आपको दोनों बताने वाले हैं, डीएम क्या है और डीएम कैसे करें। फ्रेंड्स, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमको इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, भाई हमको इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। मतलब डीएम 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 होता क्या है भाई, ये तो जानना पड़ेगा तभी तो हम डीएम करेंगे, और डीएम कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले क्या जानेंगे कि डीएम होता क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। फ्रेंड्स, डीएम का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मैसेज। क्या होता है? डायरेक्ट मैसेज। अब इसको हम हिंदी में कहें तो ए है, जैसे हम किसी को मैसेज संदेश भेजते हैं ना, संदेश, उसी को हम डीएम बोलते हैं, उसी को हम डायरेक्ट मैसेज बोलते हैं और उसी को हम संदेश भी बोलते हैं। यानी किसी को हम मैसेज डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? डीएम कहते हैं। सो बहुत से लोग को पता नहीं होता भाई डीएम है क्या। अगर कोई कहता है भाई हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज करो तो तुरंत समझ जाता, लेकिन ये डीएम कहते हैं ना लोग तो समझ ही नहीं पा। तो उसका मतलब यह है कि आपको डायरेक्ट मैसेज करना है, यहाँ वहाँ घूमना नहीं है, डायरेक्ट उनको जाना है, मैसेज करना है। अब मैसेज कैसे करना है यानी डीएम कैसे करना है, चलिए वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे दो तरीके से डीएम कर सकते हैं। एक तो मान लीजिए आपके ऑलरेडी जो फॉलोअर्स हैं, ठीक है, फॉलोअर्स हैं या आपने जिनको फॉलोइंग किया है उनको डीएम कर सकते हैं। अगर उनसे कुछ बात करनी है, ठीक है, तो आप उनको डायरेक्ट वहाँ पे जाकर डीएम कर सकते हैं, यानी उनको फॉलो किए हैं या वो फॉलो आपको किए हैं, तो आप जिनको डीएम करना चाहते हैं उनको कर सकते हैं। कैसे करना है वो भी मैं बता दूँ। जैसे कि मैंने कई लोगों को फॉलो किया हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे 8 फॉलोअर्स हैं, ठीक है, फॉलोअर्स पर क्लिक किया। अब मान लीजिए इनको डीएम करना है, ठीक है, तो इनके जो आईडी है इस पर क्लिक करेंगे, अब इनके आईडी पे हम आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे सामने फॉलो बैक आ गया ऑप्शन, अगर हम चाहे तो फॉलो बैक कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे डीएम करना सीखेंगे। और यहाँ पे हमको दिख जाएगा मैसेज, मैसेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे मैसेज लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी हम पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया हेलो, अब इनको मैंने ये मैसेज कर दिया, इसी को हम कहते हैं क्या, डीएम, यानी डायरेक्ट मैसेज। मैंने इनको डायरेक्ट मैसेज भेज दिया, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वीडियो में जाते हैं और कमेंट बॉक्स में वहाँ पे चैट करने लगते हैं। भाई वहाँ पे चैट मत क्या करो, वहाँ पे कमेंट किया करो वीडियो के ऊपर आते, ठीक है। और चैट करनी है तो आपको डीएम का ऑप्शन है ना, यानी मैसेज बॉक्स का ऑप्शन है, मैसेज पे आना है, यहाँ से मैसेज कर लेना। अब मान लीजिए आपने किसी को फॉलो नहीं किया और आपको कोई फॉलो नहीं किया, वैसे व्यक्ति को आप कैसे डीएम करेंगे, तो यहाँ पे सर्च पे आना है, विराट कोहली यहाँ पे दिख गए, इन्हीं को मैंने क्लिक किया और विराट कोहली यहाँ पे मुझे दिख गए, ठीक है। अब इनको डायरेक्ट मैं डीएम करना चाहता हूँ तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैसेज पे आएंगे। अब यहाँ पे मैं इनसे बात करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा हेलो, अगर उनको टाइम मिलेगा तो रिप्लाई दे भी सकते हैं, अगर नहीं टाइम मिलेगा तो यार नहीं रिप्लाई मिलेगा, कोई बात नहीं, बट डीएम करना हम सीख तो लेंगे ना। यहाँ पे मैंने हेलो लिख दिया और यहाँ पे और लिख देते हेलो सर, ठीक है, और यहाँ पे इमोजी लगा लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और सेंड कर दिया सर को, यानी विराट सर को मैंने ये डीएम कर दिया है। तो इसी तरीके से आपको किसी भी व्यक्ति को डीएम करना है। अगर कोई कहता है कि भाई हमको इंस्टा पे डीएम करना, तो इस तरीके से आप डीएम करना। बहुत से लोग कहते हैं, मतलब अपने आईडी में लिख रखे थे पेड प्रमोशन के लिए डीएम करो, ठीक है, तो आप इस तरीके से ही डीएम करें, यानी उनको डायरेक्ट जाके मैसेज करो, वो वहीं कहते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्टाग्राम पे किसी को डीएम कैसे करना है, डायरेक्ट यानी मैसेज कैसे करना है, संदेश कैसे भेजना है। बहुत से लोगों को पता नहीं था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, पता भी चल गया होगा। और पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, प्यारा सा कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।